अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र लगा पड़ा है। मैंने बोला कुछ कुछ दिखा दे हमारे सिंध का फसल। हमारे व्यूअर्स को बस आपको गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें हमारे सिंधी, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पीछे ये अपना केले का फसल है हमारा इधर सिंध में, और ये मैं आपको गंदम भी दिखाता हूँ। ये देखो ये साथ में गंदम का फसल है केले के साथ, इसमें कुछ ये देखो ये क्या सरसों भी लगा है क्या। मैंने बोला ये कुछ आपको फसल दिखा दूँ, फिर ये जो इस तरह मैं आपको ये दिखाना हूँ, ये अपना अम्बे, हम इसको सिंधी में बोलते हैं मैंगो। ये उसके साथ साथ ये देखो ये अपना गंदम, ये क्या कणक का फसल खड़ा है। ये हमारे गांव के रोड वगैरह, मैंने बोला ये आप व्यूवर्स को दिखा दें हमारा इधर। ये कुछ व्लॉग भी ये क्या दिखा रहे हैं, ये रोजाना बोलते हैं टाइम नहीं होता इसी वजह से। जी, और आपको गुजारिश है कि ये क्या लास्ट तक देखें। मैंने बोला कुछ ये क्या व्यूवर्स को हमारे फसल वगैरह, ये अपना बारहारी के रास्ते भी दिखा लें, आप अम्ब वगैरह। ये कुछ व्यूवर्स ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे बड़े अम्बे, साथ में कणक का फसल है। जी, मैंने बोला ये व्यूवर्स को दिखा दूँ। ये साथ में छोटे अम्बे लगे हैं, इसको 5 साल हो गए, बाकी 4 साल लगेंगे फिर ये क्या तैयार होगा। ये देखो ये हमारे बड़े अम्ब इधर, ये हमारा बारहारी का फसल है। बस ये अम्ब को हम सिर्फ पानी देते हैं और साल में ये 2 गुड़े देते हैं, फिर ये तैयार होता है। जी, ये जो ये बड़े अम्ब, अब ये बूर झलने में आपको बूर भी दिखाऊंगा, ये अपना थोड़ा बड़ा हो जाए बूर। ये हमारे छोटे भी अम्ब देखो ये क्या तैयार हो रहे हैं, ये बस अल्लाह का शुक्र लगा पड़ा है। और बस ये साथ में इसमें ये आगे सरसों भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये क्या गंदम में कणक में हमारे इधर देखो बनी में, ये खुद ब खुद फूट जाता है, हम इसको पोखते नहीं है, ये खुद फूट जाता है। ये मुलाहिजा फरमाए, ये जो सरसों नहीं है, ये हम जो सरसों का तेल बोलते हैं ना, ये हम इसको सिंधी में बोलते हैं तूरिया, ये सब तूरिया से निकलता है। ये खुद ब खुद देखो ये जो व्यूअर्स ये क्या गुल देख रहे हैं ना, ये अपना तूरिये के हैं, ये क्या जिसमें ये क्या सरसों का तेल निकलता है, हम इसको सिंधी में बोलते हैं तूरिया। ये अब देखो ये तैयार हो रहा है, थाली वाली निकाल रहा है कि अब ये आगे कणक के साथ इसको लुनेंगे हम, ठीक है ना। ये देखो ये इसके गुल नहीं, अभी फसल झल रहा है, ये जो है ना ये अब देख रहे हैं, ये देखो ये अपना फली झल के बैठा, ये बीज झल रहा है। और मैं अब तुमको ये थोड़ा दिखाऊँ बनी, फिर ये बूर भी दिखाता हूँ, एक छोटा अम्ब झल के खड़ा है अभी। जी, ये आप देखो ये बूर झल रहा है अम्ब, ये देखो ये अपना छोटा अम्ब है, ये देखो ये टोटल, ये देखो ये अभी बूर झल रहा है, ये जो इसमें फल है ना ये अभी बूर झल रहा है। देखो मैंने बोला दिखा दूँ व्यूअर को, ये देखो ये अभी बूर झल रहा है, इसमें से अम्ब होंगे अभी, ये तकरीबन ये क्या जून जुलाई में बड़े अम्ब हो जाएंगे, फिर वो भी मैं तुमको दिखाऊंगा, 2-2, 3-3 किलो का पिता बनता है। ये हमारा थोड़ा अम्ब हो गया था बीमार, ये फिर सही नहीं हो सका, फिर ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं ये सब सही हो गए। ये जो सरसों के बूढ़े देख रहे हो ना, ये एक एक दो दो गुल ये क्या खुद फूट जाते हैं, ये हम पोखते नहीं हैं, ये जो लूटते हैं ना उसमें से ये छन जाते हैं ना, फिर वो जो साल वाले फसल में फिर खेरियाँ भी होती हैं, कीन भी लगते हैं, गोबल भी लगते हैं, फिर जाके ये होते हैं, ये खुद ब खुद फूट जाते हैं। बता अल्लाह की कुदरत है, हम क्या करें कुदरत को, कुदरत को कौन झुटला है, ये अल्लाह की कुदरत है, बस अल्लाह का शुक्र लगा पड़ा है। मैंने बोला आपसे व्यूवर्स को ये थोड़ा बनी भी दिखा दूँ, खेत वगैरह ये क्या विलेज का माहौल भी दिखा दूँ। ये अभी गन्ने की टाली नहीं भर रही, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता। जी, या मुलाहिदा फरमाएं, शेयर भी करें, कमेंट भी दें, लाइक भी करें, और आप सब व्यूवर्स की मेहरबानी होगी। ये क्या व्यूवर्स ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो फसल ये बरसिंग का है, ये जो बरसिंग अपना घास नहीं खाते छेले वगैरह,
ये क्या सारा वड़ा माल खाता है, मैं भी खाती है, ठगी भी खाती है, सब खाती है। ये देखो इसका एक लोभ हो गया है, ये अभी हम इसको भान और पानी देते हैं, दूसरा लोभ तैयार हो रहा है। देखो इसके साथ में गंदम कनक भी खड़ी है, ये देखो आप ये क्या व्यूवर्स, ये जो वन देख रहे हैं ना वड़ा, ये दरख्त, ये जो वन लगा है, ये हम इसको बोलते हैं तीली वाला वन। ये जो शहर में ये नहीं बनते हैं टेबलें वगैरह, फर्नीचर नहीं बनता, ये क्या उसमें डालते हैं, ये वहाँ से आते हैं बंदे, फिर शहर से हमारे से ना उधर से आते हैं, फिर लेके जाते हैं, महंगा लेके जाते हैं। ये भी बड़ा हो रहा है, 2 साल के बाद इसको कटाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तकरीबन ये क्या 1.5 लाख तक कर जाएगा, 1.5 लाख मिल जाएगा हमें इस एक दरख्त का। ये इतना महंगा है, तीली वाला वन हम इसको बोलते, नाम तो पता नहीं क्या है अंग्रेजी में इसका। ये फिर देखो ये हमारा छोटा बुबर खड़ा है इधर बने पर, और ये क्या चक्कू भी लगाए थे और कामू का वन भी था उसका, अभी मैंने बोला आपको दिखा दूँ। ये देखो ये अपना चक्कू का वन है, और ये साथ में टारी कामू की खड़ी है, और ये देखो ये मैंने बोला, ये देखो बाह लगी पर ये ना, ये हम इधर ये जो हम है ना बारहारी के लोग, ये क्या गन्ना है, इसको कमांद को काट के फिर बाह लगाते हैं, फिर ये खुद ब खुद फिर बाह लगा के पानी देते हैं, फूट जाता है, फिर ये लंबा हो जाता है, फिर इसमें से खंड निकलती है। हाँ मैंने बोला ये बारहारी का कुछ कल्चर बता दें, ये अगर दिखा भी ले हमने हमारे देखने वालों को, कुछ क्या बोर बैठे रहेंगे, कुछ देखें तो सही ना। इसीलिए आप ये सबको गुजारिश है, लाइक भी करो, कमेंट भी दो, बेल आइकन का बटन भी दबाओ। ये क्या व्यूवर्स देखो, ये क्या इधर गन्ना था, ये काट के फिर इधर ये देखो बाह दे दी, आग लगा दी, फिर ये देखो अब इसको ये क्या पानी देगी, ये खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से फूट जाएगा जी। ये जो गन्ना होता है ना फसल, हमारा काम है लगाना, फिर ये क्या खुद ब खुद इसको फुटा डाला सामने। ये अब आप देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो काट के बाह दे दी, ये खुद ब खुद अल्लाह साई, ये देखो इसको फुटा रहा है, देखो इस पौधे को, ये साथ में है ना, ये जो ये बीच की दरी छोड़ी है, ये देखो ये इतना था गन्ना, बड़ा बहुत लंबा था, ये देखो ये तैयार गन्ना था, ये यहाँ से कट के फिर मिल में जाता है, फिर वो क्या मिल वाली भी मैंने वीडियो चारी थी, वो उधर ट्रालियाँ खानी थी, टक्कें भी खानी थी। ये देखो कितना बड़ा है ये गन्ना, इसमें से गुड़ भी निकलता है, ये जो हम खंड पीते हैं चाह में, वो खंड भी निकलती है, ये क्या सारा कुछ इसमें से निकलता है, और इसमें से पता नहीं शीरा भी निकलता है क्या, ये मड वगैरह सब इसका होता है, मिले फिर इसमें से निकलती है। जी जी ये क्या व्यूवर्स, अब अपनी बनी पर पहुंच गए, ये साथ में आप देख रहे हैं हमारा कनक गंदम का फसल है। ये देखो ये छोटे छोटे अंब भी तैयार हो रहे हैं, ये क्या पानी दे दिया था फिर शाख में से आ गया, वरना मैं आपको जनरेटर जब चालू कराऊंगा वो हमारा पाकिस्तानी जुगाड़ डुगडुगी भी आपको दिखाऊंगा। ये अब देखो ये हमारा छोटे अंब है, ये देखो ये हमारा गंदम का फसल है, साथ में बंद पर देखो वडे बुबर भी खड़े हैं, कुछ ना कुछ इसमें सरसों के बूढ़े लगे पड़े हैं। जी मैंने बोला कुछ चेंज होके दिखा दो ले नाजरीन को, नाजरीन बोलेंगे दिखाते नहीं। जी इसी वजह ये देखो ये हमारा सारा बस अल्लाह का शुक्र है, ये क्या गंदम है देखो, ये अंब लगे पड़े, फिर इसमें हम ये अल्लाह बरकत डालेगा, फिर इसको काट के फिर इसमें वन लगाएंगे। जी ये फिर वन तैयार होंगे, अल्लाह रोजी देता है। जी हमारे व्यूअर देखने वाले, ये अब देखो ये हमारा ये जो गन्ना काट के ये का पानी दे दिया था ना, ये जो साथ में था गंदम के साथ, इसको तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, ये देखो इसके ये निकल आया है गन्ना, निकल आया गन्ना क्या खुद ब खुद, ये हम 1 साल लगाते हैं, 3 साल ये चलता है, ये मुंडा है, ये देखो खुद ब खुद उसके लकड़ी से खुद ब खुद ये क्या वढ़ दिया उसमें से, ये देखो ये आगे खुद ब खुद निकलता है। ये देखो ये अपने गन्ने के पौधे, बस अल्लाह के हुक्म से इसको पानी आ गया था, कनक को दिया था, फिर उसमें से टिपके चला गया था। जी जी ये देखो ये खुद ब खुद फूट गया है ना नाज़रीन, ये जो मेरे साथ में आप ये देख रहे हो ना, ये अपना वन, हाँ हाँ ये दरख्त है जिसको उर्दू में बोलते हैं, ये अपना लीमे का दरख्त है, शायद इसको कलम नहीं लगा हुआ, ये अपना बस ऐसा ही अभी ये लंबा हो रहा है, देखें कब लीमे जलता है, फिर वो हम आपको लीमे भी दिखाएंगे। जी जी आप यूके व्यूवर्स को ये साथी, ये देखो मुंडा कमांड वाला, इसको कनक इसके कनक में से पानी लुढ़ के फिर ये भर गई थी खुद ब खुद, अब तैयार हो गया अल्लाह के हुक्म से, ये मुंडा अब देखो तैयार हो गया, ये क्या फूट गया है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये के साथ में दरख्त, ये टाली का दरख्त है, इस
ये मुंडे कमान को आग लगाई थी ना, ये खुद ब खुद फिर सूख गया, ना तो इसके पत्ते सावे थे। ये साथ में कनक का फसल है हमारा। ये क्या व्यूअर्स, ये शाख के बंद से देखो हमारे बनी का मंजर। जी, ये सारी ये बनी अंब का मंजर देखो, मैंने बोला दिखा दिया। बुअर का वन भी खड़ा है देखो ये साथ में, और ये क्या शाख की भी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। शाख अभी देखो बंद पड़ी है, इसमें पानी नहीं आया। ये तकरीबन 10 फरवरी तक पानी आएगा, अभी इसमें महीना बंद ही है। ये इसमें साथ में ये देखो, ये अपना ये जो ये दिखा रहा हूँ, ये सर का वन है जो कानी जैसे डंडा बना के चल रहा है ना ये, और ये अक का है वन। ये हम ये जो कंडा वंडा लगता है उसमें अक कम डालते हैं ना, ये जो है अपना अक का, इसका खीर डालते हैं, खुद ब खुद कंडा निकल जाता है ये। फिर ये शाख पर खड़ा है, ये जो ये अपना बुबर देख रहे हो, ये भी शाख पर खड़ा है। ये अपना सरकारी है, ये किसी की बनी में नहीं है। ये जो शाख बनाई थी ना गवर्नमेंट वालों ने, उस पर ये खड़ा है बुबर। मैंने बोला व्लॉग हो जाए विलेज का, क्या दिखा भी लें इसीलिए। बस आप सबको गुजारिश है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, लाइक भी करें, कमेंट भी दें। साथ में ये देखो बुबर का वन है, देवी भी है और शाख भी खाली है। हाँ, ये इधर मैंने बोला ये भी लग निकाल। ये देखो ये अपना ये का छोटा तिल, ये अपना तिली का दरख्त शाख के बंद पर ये तैयार हो रहा है। ये तकरीबन इसको 5-6 साल लग जाएंगे तैयार होते होते। जी, ये देखो ये इधर ये लकड़ियाँ काटने वाले बेचारे आते हैं, फिर यहाँ से ये देखो ये बुबर को रोडा करके काट गए लकड़ियाँ और बेचने गए। बेचारा गुजारा करते हैं, क्या करें, बारहारी के लोग बेचारे गरीब हैं। हाँ, इसीलिए ये अपना देखो ये बेचारे बुबर को दिख, हाँ कितना रोडा कर दिया ये, और बुबर देखते चलो, ये देखते चलो, ये सारे रोडे करते जाने। ये अब क्या करें, हम बनी पर नहीं आया था, अगर बनी में आता तो हम इसको करने भी नहीं देता। अब क्या करें, क्या उनको भी रोजगारी तो खपे ना बेचारों को, एक एक काठियाँ लकड़ियाँ तो करेंगे, क्या करें। अब मैं थोड़ा निकला हुआ था, टाइम मेरे को नहीं मिला, फिर ये बेचारे बुबर सही हैं, खड़े हैं ना, छाँव होती है बस, ये हवा अच्छी है, अच्छी हो जाती है, मौसम वगैरह सब अच्छा हो जाता है। हाँ, जितनी उर्दू आती है हम ये आप लोगों के साथ ये बोलते रहते हैं जी। बस आप सब लोगों को गुजारिश है कि लाइक भी करो, कमेंट भी दो और व्यू भी करो, चैनल हमारे को सब्सक्राइब करो। सुबह फिर ये क्या व्लॉग बनाएंगे, वो भी आपको भेजेंगे। हाँ, और ये जो लंबा ये क्या वन खड़ा है, ये क्या सर का वन है। हाँ, ये क्या बारहारी का, ये जो है ये अपना बुबर का खड़ा है। ये अभी छोटा सर मैं आपको तुमको दिखाता हूँ, तुम नाजरीनों को, ये देखो ये हमारा छोटा सर है, अभी ये तैयार हो रहा है। सब नाजरीन मैं शुक्रगुजार, बस आप सबको गुजारिश है लाइक करो, कमेंट दो। पाकिस्तान जिंदाबाद।